तो देखो फ्रेंड्स, एक दो बार तो तुम बिना आइडेंटिटी कार्ड के भी स्कूल कॉलेज जा सकते हो, लेकिन अब इस टाइम में अगर फिर से स्कूल कॉलेज जाना है तो इन इन चीजों को फॉलो किए बगैर आप स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हो। हाँ, ये सच है, हमारे गवर्नमेंट ने नया गाइडलाइंस निकाल दिया कि भाई स्कूल कॉलेज जाना है तो इन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे ये नहीं पता, ये नहीं उन्होंने बताया। लेकिन हाँ, गाइडलाइंस जारी हो चुका है, अगर आपको स्कूल कॉलेज जाना है जब भी खुले आपको इन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इस वीडियो में हम वही बात करते हैं। भाई उससे पहले आप लोग को अपडेट दे दूं कि स्कूल कॉलेज क्या खुलने का जो बातचीत हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है कि कब स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। तो भाई इसका जो आंसर है यही है कि मुझे खुद नहीं पता और गवर्नमेंट को भी खुद नहीं पता। स्टेट गवर्नमेंट ने ये सीधा सा कह दिया है कि जब तक टीचर और गार्जियन मतलब हमारे पेरेंट्स ये कंफर्म नहीं करते कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं कॉलेज भेज सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, तो तब तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। अब देखो ये कब क्लियर होता है, उसमें से 10 से 12 स्कूल मतलब स्टेट में ये स्टेट ने ये कह दिया कि हम जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस निकाला है उसके थ्रू और उसका हेल्प से हम स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। बहुत सारे स्टेट कह रहे हैं कि नहीं, जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनता हम स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे 8-10 ऐसे स्टेट ने कह दिया कि हम 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से गाइडलाइंस हैं जिनके बगैर हम स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला उन्होंने कहा मास्क लगाना। भाई ये तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, अभी घर में लगा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अब स्कूल कॉलेज जाना तो भाई आपको गेट पे ही रोक लिया जाएगा। बिना मास्क लगाए हो तो एक आइडेंटिटी बन गया, मास्क लगाए हो तो अंदर जाओ, नहीं तो भाई वहां से सीधे बाहर जाओ। तो मास्क लगाना एक कंपलसरी हो गया इस टाइम में। सेकंड, आपका जैसे ही गेट के अंदर जाओगे दूसरे ही आपको एक स्टेज में मिलेगा, मतलब फर्स्ट स्टेज में मास्क चेक किया जाएगा, सेकंड लेवल या सेकंड स्टेज में आपका थर्मल स्कैनिंग बुखार उखार चेक किया जाएगा। तो भाई यार पहले दौड़ दौड़ के आते थे या कुछ भी होता था तो आ जाते थे, तो अब शांत शांत आना, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा रहा तो बाहर बैठा देंगे या घर भेज देंगे सब। तो थर्मल स्कैनिंग आपका सेकंड होगा आपको आते ही कॉलेज में, और सेकंड लेवल में आपको सैनिटाइजेशन कराया जाएगा या सैनिटाइज कराया जाएगा, आप अपने हाथ को अच्छे से धो धा के ही आपको क्लासरूम तक जाते जाते ये 3 प्रोसेस कराया जाएगा। उसके बाद क्लासरूम में घुसते ही भाई आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये नहीं है कि एक ही ब्रेंच पे 4-4 लोग जैसे पहले हम लोग बैठते थे, तो ऐसा मजा तो अब नहीं मिलेगा। तो होगा तो शायद 1 या 2 ही लोगों को एक ब्रेंच में बैठाएं सब। अब देखो स्कूल कॉलेज खुलते हैं, कब खुलते हैं क्या पता, अब खुलते हैं सब तब देखा जाएगा। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल 1 ही 2 लोग को बैठाया जाएगा, और कभी वो वाला मजा मिलने वाला नहीं है कि एक ही ब्रेंच पे 4-4 लोग दोस्त लोग बैठ सकें। और लास्ट चीज यहाँ पे मतलब दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि 30-40% ही अटेंडेंस होगा। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ यार कि हाँ अब जो भी है कि 30-40% ही अटेंडेंस होगा, मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 20-30 ही बच्चे आएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, 10 हैं तो 3-4 बच्चे पढ़ने आएंगे और बाकी सबका अब ऐसे करके अगले दिन आएगा, उन लोग का रोल नंबर वाइज आपको बांट दिया जाएगा। तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये बात है कि हमारे सारे दोस्त एक साथ हम लोग बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे खुले या ना खुले। तो ये सारे कंडीशन हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। और लेकिन खुलेगा कब नहीं खुलेगा, अब 1 सितंबर से अनलॉक फुल स्टार्ट होता है, तो उसके साथ साथ देखते हैं गवर्नमेंट हमारा क्या करती है। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है हम आपके गाइडलाइंस का फॉलो करके स्कूल कॉलेज खोल देते हैं, लेकिन अभी 2-3 और बहुत सारे अभी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ है कि नहीं कर सकते हैं। तो भाई ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो भाई इसको एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।